45 दिनों के चुनाव के बाद कल यानी 4 जून को नतीजे आए। नतीजे एग्जिट पोल से काफी अलग और चौंका देने वाले थे। जहां एग्जिट पोल में एक तरफ बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल रही थी, तो वहीं बीजेपी मात्र 240 सीट पर सिमट कर रह गई। लेकिन लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला है और तीसरी बार सत्ता बनानी जा रही है। नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख और समय भी तय हो गया है। खबरों की माने तो प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण समारोह 8 जून की शाम को हो सकता है, लेकिन तैयारियों पर मंथन तेज हो गया है। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा देने पहुंचे। पीएम मोदी इस दौरान सरकार गठन का समर्थन पत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप चुके हैं। खास बात तो यह है कि पीएम पद की शपथ लेते ही नरेंद्र मोदी के नाम एक नया रिकॉर्ड भी जुड़ जाएगा। वो दूसरे देश के ऐसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे जो लगातार तीसरी बार चुनाव जीतेंगे। और देश में पीएम बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट पर लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के अजय राय को मात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6,12,970 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय को 4,60,497 वोट मिली। पीएम मोदी ने वाराणसी सीट पर 1,52,513 वोटों से जीत दर्ज की है। दरअसल पीएम मोदी इससे पहले साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर सांसद पहुंचे थे। नरेंद्र मोदी लगातार एक ही सीट से जीतने वाले तीसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी के नाम दर्ज है। नेहरू 3 बार फूलपुर सीट से सांसद चुने गए थे, जबकि अटल बिहारी ने लखनऊ सीट से 5 बार जीत दर्ज की थी। लेकिन सियासी हलचल काफी तेज है और दल बदल का माहौल भी बना हुआ है। तो आपकी क्या राय होगी इस खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसी तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए यूवी इंडिया न्यूज़।